हेलो फ्रेंड्स, आज मैं होम रेमेडीज केराटीन ट्रीटमेंट के लिए करने जा रही हूँ। कैसे हम घर पे अपने बालों में केराटीन ट्रीटमेंट दें, तो इसके लिए मैंने मेथी को 2 दिन भिगोया और उसको ग्राइंड कर दिया है। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं ग्राइंड किया है, क्योंकि जब आप बालों में अप्लाई करोगे तो हल्का दानेदार होगा, तो ये बालों से उतरने में थोड़ा ईजी होता है, इसलिए इसको हल्का दानेदार ही छोड़ना है। इसके बाद मैं 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैंने आधी कटोरी मेथी ली थी और मैंने 3 चम्मच दही डाला है। अगर आप बालों में डाई करते हैं तो आप दही ना डालें। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं 2 चम्मच सरसों तेल डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करना है। और मैं इसमें 1 चम्मच हनी डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। मिनट के बाद मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। आपको उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से आप स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में जो केमिकल अप्लाई किया जाता है, इसी तरीके से मैंने पूरे बालों में इसको अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद मैंने बालों को वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी मेथी के हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे भी आपका बाल सूखेगा ये ड्राई होके झड़ता जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये होम रेमेडी जरूर बताइए। कमेंट सुनते रहिए अपने फ्रेंड्स से, और बालों को हमेशा ही ओपन करके रखिए, और वीक में एक बार जरूर अप्लाई कीजिए, फिर आपको कंडीशनर की भी लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये होम रेमेडी कैसा लगा अप्लाई कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।